तिंगाव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश नागर का मानना है कि अब की गांव की जनता अपनी भूल सुधार जरूर करेगी, क्योंकि गांव विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है कि यहां से विपक्ष का प्रत्याशी जीतता रहा है, लेकिन जनता अब उनसे दुखी हो चुकी है। मोदी जी के आने से जहां लोगों में जोश बना हुआ है, तो वहीं अब अमित शाह फरीदाबाद पहुंचकर लोगों को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर जनता में खासा उत्साह बना हुआ है। टिंगाव विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी राजेश नागर के कार्यक्रमों का जहां उन्होंने आज कई गांवों का दौरा कर लोगों से जनसंपर्क किया, राजेश नागर का मानना है कि उनको उन लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और अब की बार उनका किसी से कोई मुकाबला नहीं है। क्षेत्र की जनता अब की बार उनको भारी बहुमत से जीत दिलाई भी। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरीदाबाद में रैली कर लोगों में एक नया जोश भर दिया है, उसी तरह अब अमित शाह जी फरीदाबाद आ रहे हैं, जिससे लोगों में उत्साह बना हुआ है। समर्थन मिल रहा है लोगों का, ये आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह का जनसमूह और प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। और मैं दो दो घंटे लेट चल रहा हूँ, जब भी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी हमारे भाई इंतजार कर रहे हैं। क्या समझते हैं आप? देखो, इस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है, यहाँ से विपक्ष का विधायक बनता आ रहा है, पर अब लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बुजुर्गों को महसूस हो गया है, जो भूल पहले हो गई थी उस भूल को अब दोबारा नहीं करेंगे। कल मोदी जी ने रैली करी, क्या प्रभाव देखते हैं उसका? देखो, मोदी राष्ट्र के ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता बन गए, उनको अमेरिका भी अब सर झुकाकर रेड कारपेट प्रोटोकॉल तोड़कर उनका प्रेसिडेंट हमारे मोदी जी को रिसीव करने आता है, तो उनका तो एक अलग ही रुतबा है। और आने वाले समय में सारे टीवी चैनल, सारे सर्वे, ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से यहाँ आ रही है। नहीं, कल की रैली का कितना फर्क मानते हैं? यहाँ टक्कर किसी से है ही नहीं। ये हमारी एक नारा है, मैंने एक नारा बनाया, यहाँ ये हमारी 84 पाल है, तो हमारा जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं अब की बार 75 पार, मेरा एक नारा अब की बार 84 पार। भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर।